नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूँ आराधना नामदेव। इंदौर ने फिर साबित किया कि यह केवल एक शहर नहीं बल्कि नए दौर का प्रतीक है। देश में पहली बार एक महिला प्रधान आरक्षक को हेड मोहर बनाया गया है। यह उपलब्धि न केवल महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है बल्कि पुलिस महकमे में एक नई दिशा की शुरुआत भी है। आइए जानते हैं इस खास कहानी के बारे में। देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाने में एक महिला प्रधान आरक्षक सपना सोनासले को हेड मोहर्रेट बनाया गया है। यह पहली बार है जब किसी महिला को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। थाने के इस नए इतिहास की शुरुआत तब हुई जब रोल कॉल के दौरान थाना प्रभारी ने सवाल किया कि कौन बनेगा SCM। इस पर महिला प्रधान आरक्षक सपना सोनासले ने अपना हाथ उठाकर सभी को चौंका दिया। इस फैसले पर थोड़ी चर्चा जरूर हुई, लेकिन उनकी काबिलियत और आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया कि वह इस भूमिका के लिए पूरी तरह सक्षम है। हेड मोहर्रेट का काम थाने के सभी प्रशासनिक कार्यों को संभालना, थाना प्रभारी के आदेशों को लागू करना और पूरे थाने के स्टाफ के बीच समन्वय बनाना होता है। इसे सामान्य तौर पर थाना प्रभारी की परछाई के रूप में देखा जाता है। श्रीमान थाना प्रभारी संजू गामले साहब जब थाने पर आमद आए थे, उन्होंने पूरा थाने का निरीक्षण किया और फिर उन्होंने बीच गणना में पूछा था कि SCM का कार्य कौन देखेगा। तो सभी लोग थे गणना में, कोई इच्छुक थे नहीं। मुझे काम करना था, मैंने उस चीज़ के लिए हाँ करा। तो श्रीमान थाना प्रभारी महोदय ने मुझे अप्रिशिएट किया और वो थोड़ा सा आश्चर्य भी कर रहे थे कि कोई महिला मतलब इतना बड़ा काम कैसे करेंगी। पर उनके सहयोग से और थाना स्टाफ के सहयोग से हम लोगों ने इस चीज़ को काम को स्टार्ट करा और करीब 30 से 45 दिन हम लोगों को लगे थे इनको पूरे रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में। अब सारा रिकॉर्ड और जो भी अन्य सामान है हमारे जब्ती वब्ती के, ये सब हम लोगों ने व्यवस्थित करके रखे। क्या ताजगी रहता है इस चीज़ का, क्या क्या हुआ? ये मेंटेनेंस जैसे जो मैनेजमेंट अधिकारी जो रहता है पूरे थाने का, जो एक मैनेजमेंट करते हैं, मान सकते हैं क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं श्रीमान थाना प्रभारी को, IG साहब को, वो मुझ तक आते हैं और गणना में बताए जाते हैं। उसके बाद में मुझे श्रीमान थाना प्रभारी महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के जो निर्देश है वो अन्य स्टाफ वालों के द्वारा पालन करवाया जाता है और जो भी ड्यूटीज आती है वो लगाई जाती है। और भर्ती के बाद पहला थाना था मेरा महिला थाना, वहाँ फील्ड नौकरी में रहा मैं। और उसके बाद में मैं कुछ 3.5 साल मैंने महिला PCR चलाई है। 2 साल मैं तिलकनगर थाने में रहा, वहाँ भी फील्ड नौकरी में रहा। यहाँ पे मुझे 4 साल हो गए हैं, लेकिन लास्ट 2 मंथ से मैं ये वाला काम देख रहा हूँ। इंदौर अपनी स्वच्छता और नवाचारों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। चाहे वह देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने की बात हो या पुलिस प्रशासन में नई परंपराओं को स्थापित करने की, इंदौर ने फिर साबित किया है कि यह केवल एक शहर नहीं बल्कि बदलाव की प्रेरणा है। ग्वालटोली थाने की यह महिला प्रधान आरक्षक सपना सोनासले, जो अब हेड मोहर्रेट के रूप में कार्यरत हैं, अपने आत्मविश्वास और समर्पण से हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई हैं। यह उपलब्धि पुलिस महकमे में महिलाओं को अधिक जिम्मेदारी देने और उनके प्रति दृष्टिकोण बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिला प्रधान आरक्षक के इस चयन ने फिल्म दंगल के उस डायलॉग को साकार कर दिया, महारी छोरियां छोरों से कम है के, जिस तरह फिल्म में गीता फोगाट ने लड़कों से कुश्ती लड़कर अपना मुकाम हासिल किया, उसी तरह इस महिला ने हेड मोहर्रेट की भूमिका निभाकर साबित कर दिया कि महिलाएं हर चुनौती के लिए तैयार हैं। मामले में एडिशनल DCP रामस्नेही मिश्रा ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं को थाने में भी नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जाए। यह कदम महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देगा। हेड मोहर्रेट बनी महिला प्रधान आरक्षक सपना सोनासले ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है, मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। देश भर के लिए अन्य थानों में जहां महिलाएं सहायक भूमिकाओं में सीमित रहती हैं, तो इंदौर के इस कदम ने दिखा दिया कि महिलाएं किसी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम है। इंदौर का यह उदाहरण पूरे देश में पुलिस महकमे के लिए एक प्रेरणा बनेगा। यह न केवल महिलाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थाना छोटी ग्वालटोली में दी गई है।
जिसमें से महिला हेड कांस्टेबल सपना सौंदले को थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उस पर यह देखा गया है कि लगभग 2 महीने से उनके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है कि पूरे थाने का कायाकल्प हो गया है, जो माल खाना है वो व्यवस्थित हो गया है, जो फाइल और रजिस्टरों का संधारण है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो गया है, थाने में उठने बैठने की व्यवस्थाएं बहुत प्रॉपर हो गई हैं। और ये देखने में आया हुआ है कि जो चूँकि स्वच्छता पर इंदौर शहर प्रथम है, उसी प्रकार से थाने को भी एक टारगेट लेकर के और पूरे थाने की साफ सफाई एवं रख रखाव को व्यवस्थित किया गया है। ये चूँकि उसकी खुद की भी सक्रियता थी, उसके द्वारा भी सक्रियता दिखाई गई थी, और चूँकि उसके द्वारा जिस जगह पर जब भी कोई काम किया गया तो बड़ा इनोवेटिव तरीके से किया गया था, इसलिए कोशिश ये की गई कि इनको SCM बनाया जाए और SCM बना करके SCM के जो दायित्व उन पर भी कुछ अच्छा कराया जाए, तो इसी मंशा के साथ उनको बनाया गया था और एक अच्छे परिणाम भी उसके परिलक्षित हो रहे हैं। समय को भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है SCM के द्वारा, और समय को मैनेज करते हुए बाकी लोगों का भी बड़ा अच्छा सहयोग लिया गया है और थाने के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। चूँकि SCM महिला है और चूँकि उसके द्वारा जब ऐसा प्रयास किया रहा तो बाकी लोग भी उससे प्रेरणा ले रहे हैं, और यही देखने में आ रहा है कि उसके काफ़ी अच्छे परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। SCM का बेसिकली माल खाने को व्यवस्थित करना रहता है, जो फाइलें हैं उनको व्यवस्थित करना रहता है, जो रजिस्टर हैं उन पर सभी ये जो जानकारियाँ हैं वो समय पर इंदराज हो जाएँ, जो जानकारियाँ वरिष्ठ कार्यालय को जानी है वो समय पर पहुँच जाएँ, ये सारे दायित्व रहते हैं। लगभग वो महत्वपूर्ण चाबी होता है थाने की, जो SCM रहता है, और ये जो सबसे स्मार्ट अधिकारी रहता है उसको SCM का दायित्व सौंपा जाता है। इंदौर ने फिर साबित किया है कि यह केवल स्वच्छता का नहीं बल्कि नवाचार और सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। यह इंदौर नहीं, यह है नया दौर। बहरहाल लगातार ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।